हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मान। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं कि बॉक्स ऑफिस में क्या कुछ हो रहा है। एक हिंदी मूवी है और एक तेलुगु मूवी है। तेलुगु मूवी का नाम है हनुमान। ये हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई है। हिंदी की जो कलेक्शन है उसके बारे में भी बात करेंगे, कहाँ तक पहुँची, और फाइटर की बात करेंगे। और कल अच्छा एक माइलस्टोन अचीव हो गया था। क्या ये 300 करोड़ रुपये फटाफट से कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। सिद्धार्थ आनंद की एक कॉमेंट था जो सुबह से वायरल चल रहा था कि भाई 90% ऑफ द इंडियंस जो हैं वो तो कभी प्लेन में चढ़ाई नहीं, एयरपोर्ट की भी शक्ल नहीं देखी। तो इस वजह से शायद ये जो मूवी है वो इतनी ज़्यादा चमकी नहीं। और जो लोग ने एक्सपीरियंस किया है एयरफोर्स को, प्लेन्स को, इस तरीके की चीज़ें, के जो थोड़ी सी हाई फ्लाइंग चीज़ें होती हैं, उन्होंने देख लिया, फिर उसके बाद ये ड्रॉप कर गया। तो सिद्धार्थ आनंद का ऐसा एक इंटरव्यू जो है, छोटा सा क्लिप्स वायरल हो रहा है। अब इसके आगे क्या बोला, इसके पीछे क्या बोला, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, ये तो मुझे पता नहीं ना, मुझे ये वीडियो मिला। बट इतना सा जो क्लिप है और ये जो हैशटैग है 90% ऑफ द इंडियन, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था। तो मैं थोड़ा लग गया इसके पीछे समझने के लिए, क्या सिद्धार्थ आनंद ठीक बोल रहे हैं या फिर कोई प्रेशर में आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाटएवर ही इज अटेम्प्टेड गुड, द आउटपुट एज फाइटर इज़ वेरी वेरी नाइस। मुझे तो पसंद आई थी। अब जिसको नहीं पसंद आई तो मैं उसकी इच्छा है भाई, अब क्या कर सकते हैं। मेरे को तो अच्छी लगी। अब इस फाइटर के अंदर अगर आप ये बोलते हैं कि इन लोगों ने ये नहीं देखा है, तो मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ इस बात से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अवतार के अंदर जो हमें वर्ल्ड में इमर्स कर दिया डायरेक्टर साहब ने, वो तो वर्ल्ड इतना ज़्यादा फिक्टिशियस था कि वो कभी किसी ने देखा ही नहीं है, बट आप उसके अंदर चले जाते हो। ऐसे ही 1990s के अंदर टर्मिनेटर जब आई थी 2 स्पेसिफिकली, उसके अंदर वो मेल्टिंग मैन और आर्नोल्ड वो हाईएस्ट ग्रॉसर, और आज तक भी टेक्नोलॉजी वाइज AI की बात करने वाली वो सबसे महान पिक्चर मानी जाती है। अब उस ज़माने में किसको पता था AI क्या होता है, रोबोट कैसे होता है, ये सब होता है, लेकिन उसका नरेटिव स्टाइल ऐसा था कि आप उसके अंदर इमर्स हो गए थे। तो मुझे इस मूवी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी इशू नज़र नहीं आया कि एक सेगमेंट जिसने कभी प्लेन्स नहीं देखे, जिसने जेट्स नहीं देखे, उनको समझ नहीं आएगी। इसका कोई और रीज़न होगा, वो हम मिलजुल के भी डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं। किसी के पास भी एक स्ट्रेट आंसर नहीं है। कोई कोई बोल देगा इंडिया पाकिस्तान था, तो ऐसा मेरे को नहीं लगता होगा। वो तो गदर 2 में भी था, तो उसमें भी बहुत बढ़िया तरीके से चल गई। वो तो पठान में भी था, वो भी बहुत चल गई। वो तो टाइगर 3 के अंदर भी था, वो भी 500 करोड़ पर टच करने वाली थी। तो ये रीज़न तो नहीं है इंडिया पाकिस्तान। लोगों को अभी भी इंडिया पाकिस्तान दिखाओ तो बढ़िया तरीके से अभी भी चला देंगे। अभी शाहरुख खान की पिक्चर आ जाए, इंडिया पाकिस्तान अगले 1000 करोड़ फिर से कर लेगी। तो ये रीज़न नहीं है। रीज़न कुछ और है जो हम डिसाइफर नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, कई बार कुछ चीज़ें अनआंसर्ड रह जाती है, हर एक का आंसर पता नहीं होता है। बट कोई एक ऐसा इंटेलिजेंट मानव भाव जो इसके अलावा कुछ सोच पाए तो ज़रूर बताना। बाकी एक और चीज़ के बारे में, मार्केटिंग की भी एक और बात हुई थी, वो मैं मानता हूँ कि मार्केटिंग वीक थी, लेकिन वो भी इतना बड़ा रीज़न नहीं है ड्रॉप होने का, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ अगर अच्छा होता है तो फिर ड्रॉप होने के बाद फिर से एक कंसिस्टेंट बढ़ता है। बट कमिंग बैक टू हनुमान, पहले तो जो हम बात करने आए थे, यहाँ पर डे 22 जो है वो 1.25 करोड़ रुपीज़ पे एंड हुआ है, 1.75 करोड़ कल किया था। तो टोटल जो है 180 से बढ़ के 181.5 करोड़ हो गया। ये 200 करोड़ रुपये टच करने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि ये दो चीज़ें होंगी इसके साथ, एक तो ये 300 करोड़ भी टच करेगी जल्दी, क्योंकि 278 करोड़ रुपीज़ के आसपास ये पहुंच चुकी है, जो कि इट्स अ वेरी गुड नंबर। और दूसरा ये कि जो इसका OTT रिलीज़ है वो 1 महीने से बढ़ा के ऑलमोस्ट 2 महीने कर दिया था, 35 दिन से बढ़ा के। तो उससे क्या हुआ कि इसके पास एक इनफ टाइम मिल गया कि मैं ये अचीव कर पाऊँ, जो कि अच्छी स्ट्रैटेजी है। कि बहुत प्रेशर में आके जल्दी जल्दी रिलीज़ कर दो तो आपने करीबन 30 करोड़ रुपए का तो नुकसान कर लिया ओवरऑल रन में, क्योंकि अगर 1 महीना का जो टेन्योर है उसके अंदर ही रिलीज़ हो गई होती तो लोग लास्ट के 1-10 दिन तो जाते ही नहीं देखने के लिए कि भाई अब रिलीज़ तो होने वाली है, ठीक है। बाकी हिंदी का जो टोटल है इसका 181.5 करोड़ में से वो है 45.45 करोड़ रुपी। इसके ऊपर भी हम कल बात कर चुके हैं कि टेक्निकली अगर हिंदी सेगमेंट में भी अगर बहुत बड़ी हिट होती तो ये तेलुगू में जितना करा है उससे ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि ऑडियंस इन हिंदी इज मच वाइडर एंड लार्जर। अब बात करते हैं फाइटर की। जो डे 9 है वो रहा है करीबन 5.5 करोड़ रुपए, कल था 6 करोड़ रुपए। तो ये मंडे से लेके फ्राइडे तक लगातार जो है क्रैश लैंडिंग ही होती चली जा रही है इसकी। अब कितना ये सैटरडे संडे के अंदर जंप खाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि इसका वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव ही हो चुका है। तो जो ऋतिक के फैंस हैं जिन्होंने मिस कर दी वो देखेंगे। तो मेरा हायर साइड पे जो एस्टिमेट है इसका सैटरडे संडे का, वो 8 से 10 करोड़ रुपए के बीच में होगा। कल हो सकता है आपको 8-8.5 करोड़ रुपए देखने को मिले, संडे को फिर भी शायद 10 करोड़ रुपए ये टच कर जाएगा। 147 कल था, आज है 152.5 करोड़ रुपीज़। कल 250 करोड़ रुपए लगभग इसने एंड में क्रॉस कर लिए थे, पोस्टर पे रिलीज़ हो गया था।
आज लगभग होंगे 257-258 करोड़ रुपीज़, और 76 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड आया है। सैटरडे संडे में भी जंप आएगा, तो ये 90 करोड़ रुपीज़ प्लस का बिजनेस ओवरसीज मार्केट से भी कलेक्ट करेगा, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी कुछ और पूछना है तो कमेंट कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमेशा ही लिंक्स होते हैं, उसको भी फॉलो करो, क्योंकि उसके अंदर मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डालता हूँ, व्हाट्सएप का भी डालता हूँ। और एक ज़रा कमेंट करके बताओ कि व्हाट्सएप के अंदर मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ और वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आ पा रहा, तो ऐसे टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी वहाँ पर कोई ज़्यादा लोग भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ पर 110-120 लोग ही हैं, तो उसको हटा सकते हैं और हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जो कि एक बड़ी लार्जर कम्युनिटी बन सकती है। वहाँ पर इंटरेक्शन करना भी आसान है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के ऊपर, आप मुझे सीधा चैट कर सकते हैं फटाफट से, और किसी डायरेक्ट सिचुएशन में वहाँ से हम बात भी कर सकते हैं, ठीक है? तो सोच के बता देना है, ठीक है? जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।